ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये क्या सब लोग बारी बारी से एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हो? क्या ये आपके घर का रिवाज है? रिवाज नहीं, स्वराज है। सर, इस तरह थप्पड़ मारने से हमारी समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। इस सीन में तेरे कैरेक्टर को डायलॉग ही नहीं है। इस घर में एक दूसरे को बारी बारी चाटा मारने की वजह तू है, तू है। नेचुरल, नेचुरल। इस उम्र में थप्पड़ खाने से इस तरह इमोशनल हो जाना लाजमी है। इट्स ओके, इट्स ओके। तू से कहना तेरा डायलॉग नहीं है। इतना जोर से क्यों चिल्लाते हो? छत उड़ जाएगी। इस घर का बुजुर्ग आदमी मैं हूँ, क्या करना है मैं जानता हूँ। तुम अंदर जाओ। अगर मेरा दिल चला है तो गृह प्रवेश करना पड़ेगा। जाओ, अंदर जाओ। तुम क्या कर रही हो? जाओ, तुम भी जाओ, सब लोग जाओ, जाओ। अरे अरे अरे, नाना जी, वो सब कभी के चले गए। सब भागे। कैसे चलाया, कैसे चलाया? मुंह चलाने के काम में आपकी कोई टक्कर नहीं है, ऐसा नानी माँ बोल रही थी। बोली क्या? हाँ, रे चंदर, दुखी क्यों हो? ऐसी हालत में मैं आपके सामने आऊंगा, ख्वाब में भी नहीं सोचा था पिताजी। क्या हुआ? मैं कुछ मांगूंगा, बुरा नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं, बुरा मानने की क्या बात है, ज्यादा से ज्यादा आज जो हुआ उसके लिए माफी मांगने आया हो, यही ना? माफी मांगूंगा? छी, माफी नहीं मांगूंगा पिताजी। फिर किस लिए? दारू चाहिए। एक चंदर, तुझे दारू पीने की आदत है? 25 साल से पी रहा हूँ, आपको पता नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए 3 पैक पीऊंगा, नहीं तो नींद नहीं आएगी। मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया है, मजबूर होकर आपके पास मांगने चला आया। एक बच्चा अपने पिता से दारू मांग रहा है, एक बाप होने के नाते मुझे माफ कर दोगे? मुझे उम्मीद है ये बात मैं किसी से नहीं बताऊंगा, माँ से भी नहीं बताऊंगा। आपका चरणदास, आपका सेवक आपसे विनती करता है। पिताजी, पिताजी, मेरे लिए दारू लाने गए हैं या मारने के लिए डंडा लाने गए हैं? हाँ पिताजी, ये लो बोतल। अरे वाह, खुश कर दिया आपने। तुमने 3 पैक पूछा, मैं बोतल लाया। डालो डालो डालो। डालो जाइए। चंदर, जिंदगी में नहीं, चीयर्स। पिताजी, मेरे बारे में क्या सोचते हैं बताओ? आप नया क्या सोचना है? देने दो। सच बताओ, मेरे बारे में क्या सोचते हो? दारू चढ़ गई, छोड़ो। दारू पीते हैं तो मन की बात बाहर आती है, बताओ ना सच सच क्या है? अगर आपने सच सच बता दिया तो आज की रात ही मेरा जीवन बदल जाएगा। अब बताइए पिताजी, आप मेरे बारे में क्या समझते हैं? इतना पूछता है तो बता ही देता हूँ। तू दिल का अच्छा है लेकिन हरकतें अच्छी नहीं है। बदन बड़ा है, अकल छोटी है। तू सेंटिमेंटल टाइप नहीं, कमर्शियल टाइप है। एक लफ्ज में बोलना है तो तू मेरा बेटा ही नहीं लगता। आपके बारे में मैं बताऊं? ज्यादा तारीफ किए बिना, ज्यादा खींचे बिना 3 टुकड़े में बोलते हैं। बूढ़े होके कब्र में पैर लटका के बैठे हो लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही अकल नहीं है। पति के मामले में बेकार, बाप के मामले में बेकार, कुल मिला के बेकार ही बेकार। तुम्हारी औलाद होके पैदा होना पाप है, अभिशाप है। क्या कहा तूने? तुम एक नीच कमीने इंसान हो। सगाई के दिन तुमने जो राजनीति की वो छोटी मोटी नहीं है। दोपहर में जो एक दूसरे को चांटा पड़ा उसके लीडर तुम हो। दोपहर में अगर मैं जोश में आ जाता तो रामपुर फिर से 2 टुकड़े हो जाते। तेरा रामपुर हो जाता, मेरा रावणपुर हो जाता। अबे ओए बूढ़े, मेरा पावर ज्यादा है, काट के रख दूंगा। अबे बूढ़े, सबके सामने मारा, अकेले में मारा, ये कैसा मर्दा हुआ? तेरी आंखों को क्या मैं मंदिर का घंटा नजर आता हूँ जो इस तरह बजाया जा रहा है? घंटा नहीं है, घंटा कर रहा है। फिर बजाया। इधर देख, तू एक पल भी इस घर में नहीं रहेगा। कल फिर मेरे सामने नजर आया तो टुकड़े टुकड़े करके खेत में फेंक दूंगा। निकलो बाहर, निकलो। अबे भास्कर, छी, रात को कुत्ते की तरह डांट खा के अब बेशरम होके गाना गा के खा रहे हो, बाहर निकलो। बेटा, अगर शर्म आ गई तो कुत्ते में और मुझ में फर्क क्या होगा? हम इंसान हैं, बुजुर्गों की गालियों को दुआ, उनके चांटों को आशीर्वाद समझ के ले लेना चाहिए। जाओ कहो तो जाने के लिए, हम ऐसे वैसे खुददार थोड़ी है। वो क्या है पिताजी? अरे कुछ नहीं बेटे, मेरे पिताजी मुझे जितनी भी गालियाँ दे, मैं चट्टान के जो बैठा हूँ ना वही खुददारी है। बेशर्मी का नाम है खुददारी। अबे तेरी तो, अरे उसने सही तो कहा, मुझे बेशर्म कहता है, मेरी बेशर्मी को खुददारी कहता है नालायक। यहाँ पर बेशर्म कौन है, पूरी दुनिया को पता है। नालायक, मुझे बेशर्म कहता है, जान से मार डालूंगा। जोड़े
घर छोड़ के जाने के लिए कहा तो तू यही पड़ा है। निकलो बाहर, निकलो। अरे छोड़िए ना पिताजी, सुबह सुबह मजाक करे, चलो ना बैठ के बात करते। अरे सुनो सुनो तो, देखो कौन आया है। अरे शर्म कौन आया देखना है, तू इंसान है, तुझमें शर्म है तो एक बार निकलने को कहा तो निकलना चाहिए। जाओ। सम पीपल, कुछ लोग इस तरह गाली खाने से शर्म के मारे बाहर निकल जाते हैं। वो कैरेक्टर तो दूसरे हैं, बाहर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और कुछ है तो बोलो। बैठे जी, इस कमबख्त को अमेरिकन स्टाइल में बाहर निकालो। यहीं पर आपका सेंटिमेंट आपको बांधे रखा है। घर, गांव, शहर, देश सब छोड़कर आए एक विदेशी के हाथों मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो, लेकिन खुद गर्दन में हाथ देके निकाल सकते हो? नहीं ना। लेकिन क्यों? तो इंसान नहीं है इसलिए। नहीं, यहीं पे बाप बेटे का सेंटिमेंट आता है, इसीलिए तो मैं यहीं रह गया हूँ। करेक्ट, आपका बेटा बड़ा सेंटिमेंटल कैरेक्टर है दादाजी। आप जितना भी खोसिए, डांटिए, धक्का मार के बाहर निकालिए, He won't go out. बाहर नहीं जाएंगे। अरे बहुत हो गया, चुप कर। मेरे घर में ही बंजारे की तरह घुसकर मेरी बेटी को झाल में फंसाए हो। तुम यहाँ से बाहर जाओ। अगर इनको बाहर जाने को कह रहे हैं तो मैं भी घर से निकल जाऊंगी। पागलों की तरह बात करोगी तो काट के रख दूंगा, समझी? बेटा चंदर, अब जाके ये शादी के लिए मान गई है, उसकी मर्जी के मुताबिक राम से ही शादी करा देना, हम सब खुश रह सकते हैं। तू भी यही रह सकता है। तुम्हें और पिताजी को उस नगराज सिंह पर गुस्सा है, इसलिए मेरी बेटी को अमेरिकन के हाथों दे रहे हो। लेकिन एक बात याद रखो, जैसे टीवी में बोलते हैं, मेरा भारत महान, जब तक इस देश में मैं हूँ, मेरे शरीर में प्राण रहने तक किसी भी सूरत में इस अमेरिकन से मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। सॉरी ससुर जी। ससुर जी, आपके चिल्लाने से लगता है कि ये इंडिया अमेरिका की प्रॉब्लम है, पर हम दोनों की मैरिज शादी की प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तू क्यों डायलॉग बोल रहा है? hey! तुम रुको बाबू, क्या है? तेरी बेटी को राम बेटे के हाथ में सौंपने में क्या तकलीफ है? इसमें क्या कमी है? अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी, स्वामी विवेकानंद जैसा ज्ञान, बिल गेट्स जैसी अकलमंदी, टाटा बिरला की तरह धन दौलत है क्या? जाने दो, और थोड़ा नीचे सोचते, मेरे जायदाद की आधी भी है ये क्या? बता, तेरे पास फूटी कौड़ी भी है? इनके साथ रह रहकर तू भी बिगड़ गई है। ये सारी जायदाद मुझे नहीं तो किसको दोगे? पागलों की तरह बात मत कर। शराबस्ती इन दोनों की शादी कराता है या बाहर जाके गृह प्रवेश करता है? गृह प्रवेश की बात करके क्यों डराते हो पिताजी? ठीक है, आपके कहे मुताबिक अपने मन को मार के शादी के लिए मान लेता हूँ, लेकिन ये अमेरिका वाला इस गांव में क्या करेगा? ससुर जी, क्या करना है बोलिए, करता हूँ। कहते ही करने के लिए कोई किराने की दुकान नहीं है, एग्रीकल्चर मेहनत का काम है। सुबह सुबह उठ के गिलास दूध पीने से नहीं चलेगा, दूध धोना भी है, दूध देने वाली भैंस को चराना होगा, खेत जोतना है, बीज बोना है, खाद डालना है, फसल काटनी है। अब 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 बहुत मुश्किल है बेटा, ये तेरा काम नहीं है। बेटे तू है अमेरिका, मैं हूँ यहीं का, नहीं होगा, छोड़ दे छोड़ दे। ससुर जी, आपने जो जो कहा वो सब करके नंबर वन किसान बन के दिखाता हूँ, उसके बाद आप हम दोनों की शादी करा देंगे। बोलो पिताजी, तब तो मंजूरी देंगे ना? बोल रहे, बोलता क्यों नहीं? भूत बन के क्यों खड़ा है, बोलना, कुछ कहिए ना। तुम सब अपना मुंह बंद करोगे? तुम एक काम करो, फिल वक्त हमारे पास गांव के बाहर 100 एकड़ बंजर जमीन है, कल से वहां तुम खेती बाड़ी शुरू कर दो। वहां तुम क्या उखाड़ोगे मैं भी देख लूंगा। सोना उगाएगा, देखेंगे, देखते हैं। अमेरिकन चैलेंज। चैलेंज क्या तम झम है, साहब पूछ रहे हैं। मेरे अमेरिकन जीजा के लिए हेल्पिंग सामान है। अभी तक शादी नहीं हुई, फिर भी जीजा गांव में यही था, बच्चे ने भी कर दिया कंफर्म। इस परिवार वालों ने अगर उस अमेरिके वाले की मदद की तो ये चैलेंज कैंसिल। हाँ, उतना ही कैंसिल है। कोई तेड़मबाजी करके तू उसे हराने के चक्कर में है, ये मैं जानता हूँ। बेटी सौंदर्य लक्ष्मी, तू इधर आ। ये बात नहीं दादाजी, राम ये सब काम नहीं जानता। अगर हम में से किसी ने उसकी मदद नहीं की तो वो अकेला क्या करेगा? मैं हूँ ना दीदी जी, अमेरिकी बाबू को कोई भी काम हो दिल खोल कर मैं कर दूंगी ना। धन तेरी मजाक का, तू उसके पक्ष में है, नहीं हो सकता, जाओ। ए, मेरे से पंगा लिया ना तो तेरी सारी काली करतूत दुनिया के सामने रख दूंगी। राम कली का हाथ पकड़ के किसने बेशरम होकर उससे सैंडल की मार खाई, आधी रात को मंगला के घर की दीवार कूद के किसने कुत्ते की काट खाई, ये सारी बातें बाहर आएंगी, या तो इस पर या उस पर। बोल क्या करेगा? साहब उधर देखिए, हीरो एंट्री कैसे मार रहा है। देखो बाबूजी, भैंसी का चरवाहा जांगिया पहरे के बजाय मुकाला मुकाबला खाना का हीरो के माफिक बिलायती बाबू बन के आ रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, चीयर्स चीयर्स। मुझे अब क्या करना होगा? इस तबेले में पूरे 20 भैंस हैं, कुछ देशी कुछ विदेशी, हिसाब लगा के देखो तो वहाँ से लेकर यहाँ तक इनको चारा डालने के लिए 20 मिनट लगते हैं। तुम नए हो इसलिए तुम्हें 30 मिनट देता हूँ, चलो डालो।
ये सरासर नाइंसाफी है। बेचारा नया है इस काम में, कम से कम एक घंटा तो दे। मैं पहले ही बोल चुका हूँ यार, डिस्काउंट रिबेट नहीं चलेगा। करना है तो करे, वरना हार गया बोल के अमेरिका जाने के लिए बोल दो। नो, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए। आई विल डू इट। सिंह ही नहीं हूँ, हमको चराय दिया है भूसा। ससुर जी बुरा मत मानिएगा, आपने आधे घंटे का टाइम दिया था, 5 मिनट्स में फिनिश। क्यों रे, अभी भी पूरे 25 मिनट बाकी है। कहो तो इतनी देर में तुझे भी घास भूसा खिलाए। ये कोई बड़ा कमाल का काम नहीं हुआ, यहाँ पे विलायती भैंस है जो 5-5 लीटर दूध देती है। सिर्फ 3 लीटर तो मिलते हैं। तुझे कुछ नहीं मालूम, तू चुप कर, 5 लीटर देती है। 10 भैंसों का 50 लीटर दूध हुआ, तुम्हें धोना होगा, कर सकोगे? जैसा दूध बह रहा है। अरे बाबूजी हम तो हार गए। दत्तरी मजाका, छुट्टी मनाने के लिए गांव आया था, अब वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा ये। ए घोचू, हम पढ़ाई करते हैं कुछ कर दिखाने के लिए। मैंने पढ़ाई अमेरिका में की, लेकिन कर दिखाऊंगा यहाँ पे। एवरीथिंग इज हियर। हम सब समझ गए बाबू, अभी यही रहेगा, यहाँ से कहीं जाएगा नहीं। अब देर का है की बिटिया का बिहार अच्छा देव ना। अरे मुंह बंद कर, ये तो कुछ नहीं है, असली चैलेंज बाहर है। अबे चंदर, जिंदगी में